हाय गाइस डूइंग, कैसा लगा है आपको? कौन जीत, क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो मुझे पता नहीं, सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वहाँ पे। शहनाज, जिसका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शहनाज, लेट्स विश हर वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड देयर इज आसिम, देयर इज सिद्धार्थ, देयर इज रश्मि, सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आरती भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी जीत सकता है, यू जस्ट डोंट नो। एंड आई विश द बेस्ट पर्सन विंस, एंड विशिंग देम ऑल ऑल अ वेरी 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 बेस्ट, बिकॉज अभी बहुत टफ हो गया है, कुछ भी हो सकता है। सो आई विश देम ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट। आई मिस यू गाइज टू, आई मिस बींग इन बिग बॉस हाउस टू अ लॉट, एंड आई एम मिसिंग ऑल द टास्क। तो इसलिए मैं जब भी बिग बॉस आता है मैं बंद कर देती हूँ, मेरा मन नहीं करता देखने का, लेकिन फिर देखना शुरू कर देती हूँ क्योंकि अटैच हो गई हूँ उस गेम से। Entertained you guys in some way or the other, but I hope I would have been there for longer. I could have been there for लंबे time के लिए रह सकती थी, but unfortunately this incident happened and I was shown the door. But that's okay, that's life, and how you come back again, that's more important. So I'm gonna try and come back. I am coming back and I'm happy. I enjoyed a lot, and thank you so much. लव यू गाइज, लव यू फॉर लविंग मी सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। आपका प्यार मिल रहा है इसीलिए मैं थोड़ा खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं कि निष्कासित हुई हूँ या कुछ भी हुई हूँ, बट डेफिनेटली वहाँ से भी अच्छे से निष्कासित हुई। ऐसे ऐसे बहुत गलत तरीके से निभा, उन्होंने भी यही कहा कि गुस्से में इंसान कभी कभी कर जाता है कोई ऐसी चीज़, बस वही गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। So definitely now I'm a much much better person than I was before. I'm trying to control my anger, and I've done that in a lot of ways. So I think I like a lot of people in there. I like Shehnaz, I like Rashmi, I like Aarti, and Siddharth and Asim also I like. So but mostly Shehnaz, Rashmi, Aarti, definitely. आई लाइक दीज थ्री ऑफ देम। बिग बॉस में मेरा बिहेवियर बहुत रूड था। मैंने क्या रूड बिहेव किया मैं सोच रही हूँ आपसे। मैंने दो तीन बार खाली बोला होगा कि मुझे बर्तन नहीं करने हैं, क्योंकि मैं थक गई थी ऑनेस्टली बर्तन कर करके। तो एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा है, और जब सब चढ़ जाते हैं आपके ऊपर तो आपको भी थोड़ा अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत वीक हो जाते हैं, नहीं तो आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से शायद मेरा थोड़ा वो एंगर दिखा होगा, मेरा वो बिहेवियर दिखा होगा, बट मैंने कोशिश ये की कि सबसे मैं अच्छे से बना के रखूँ और सबसे अच्छे से रहूँ। और एंड आई एंड आई थिंक देर आर पीपल हु लाइक्ड मी ऑल्सो। सो अगर आपको रूड लगा तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगी अपने आप को और बेटर इंसान बनाऊं। इवन आई फील दैट आई कुड हैव कंट्रोल माई एंगर, बट दैट वॉज सच इन सच अ हीट ऑफ द मोमेंट, इट जस्ट हैपेंड सो ऑर्गेनिकली दैट आई जस्ट डिन नो इफ समवन कुड हैव स्टॉप्ड मी, और अगर थोड़ा रोक देते या कुछ हो जाता तो मैं शायद नहीं करती ये, बट इट जस्ट हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। एंड या आई कुड हैव स्टेड लॉन्गर अगर मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता तो, बट होपफुली सम अदर शो यू विल सी मी सून। बट थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट आर्शा, कि नॉट ट्राइंग, अब तो कुछ कर नहीं सकते, बट आई एम नॉट वॉट यू सीन दैट इन द एपिसोड। वो मुझे इंस्टिगेट किया गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं वैसी हो गई। और आई थिंक लड़ाइयाँ होती रहती है कपल्स के बीच में, आप कपल्स हैं तो आप कभी कभी एक दूसरे को चाटा भी मार देते हैं, कभी कभी एक दूसरे पे पिल्लो फाइट होती है, तो वही चीज़ हमारे बीच भी हुई थी। सो देर इज नथिंग मतलब पर्सनल, और ये मतलब ग्रजेस ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे उसको मार देना है, ख़त्म कर देना, ऐसा कुछ नहीं था। इट जस्ट हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एंड एंड या आई मीन एंड आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट यू हैव सीन, बट मेरा भी लॉस हुआ है। देखिए मैं बाहर हूँ घर के, सब लोग वहाँ पे अंदर कितनी मस्ती मार रहे हैं, एवरीबडी इज एंजॉयिंग द शो एंड डूइंग देयर बेस्ट दे कैन टू विन द ट्रॉफी, एंड आई एम आउट। सो आई एम ऑलरेडी मतलब मैं बाहर हूँ ऑलरेडी, मुझे इस बात का पश्चाताप है। सो आप लोग भी बार बार अगर मुझे बोलते रहेंगे कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, तो मुझे आई मीन आई कांट हेल्प इट। आई मीन आप लोग बोल सकते हैं, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई के नॉट स्टॉप यू। तो जैसे आप लोग इतना सब कुछ गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो अगर हम अगर बोल देते हैं तो आपको इतना बुरा किस बात का लग जाता है?
So I think you should also just move on. Yeah? To all the negativity, I would say move on. And thank you. आप यहाँ पे नहीं आएंगे वो भी मिलने चलेगा, और आएंगे तब भी चलेगा. सो यू गाइज आर ऑल वेलकम. वाई डिड आई हिट विशाल विद द पैन? आई थिंक उन्होंने पैन से मुझे पहले पानी फेंका, तो वो पैन वहीं पड़ा हुआ था. मुझे अगर वहाँ पे पिलो मिलता तो शायद मैं पिलो से मार देती, बट अनफॉर्चुनेटली माई बैड लक एंड हिज बैड लक दैट वहाँ पे पैन पड़ा हुआ था, और उस पैन से मैंने धुलाई कर दी उनकी. दैट्स इट, देर इज नो अदर रीजन कि मैंने क्यों पैन उठाया, बट वहाँ पे पैन दिख गया मुझे और वही उठा लिया मैंने. अगर वहां पे तकिया होता तो शायद मैं तकिए से मार देती तो मैं बच भी जाती, बट पैन दिख गया और मैं इतने गुस्से में थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, और मैंने सपाक 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 मार दिया. जैसे सलमान सर ने कहा, अगर मैं हंसते हुए मारती तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, पर मैंने इतनी खुंदक में मारा कि इस वजह से शायद वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव और गंदा लगा है. बट आई एम श्योर उनको ज्यादा लगी नहीं, अगर लगी होती तो कुछ तो होता, बट लगी नहीं है उनको. थोड़ी सी स्पेलिंग हुई है शायद, बट आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड. एंड मैं अपने एंगर को पूरा कंट्रोल कर रही हूँ. आई विल नेवर फाइट विद एनीवन, नॉट इवन माय विद माय फैमिली मेंबर्स. मोस्टली व्हाट हैपेंस इज यू फाइट विद योर फैमिली मेंबर्स हुम यू टेक फॉर ग्रांटेड. सो मे बी मैंने विशाल को और मेरे फैमिली मेंबर्स को, आप जिसको प्यार करते हैं उनको ग्रांटेड ले लेते हैं और आप उन्हीं से झगड़ा करते हैं, और शायद मैंने यही किया. बट उन्होंने भी काफ़ी पोक किया था, काफ़ी हद तक मुझे पोक किया था, जिस वजह से ये चीज़ हुई है, हरकत हुई है. सो आप सारा ब्लेम मुझे नहीं दे सकते हैं. बट क्या, दैट्स इट आई वुड से. एंड नो मोर कमेंट्स ऑन व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड.